गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं अविकारी शब्द का एक और अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने आपका परिचय कराया कि अविकारी शब्द होते क्या हैं। ऐसे शब्द जिनको हमने देखा कि ना तो वो लिंग से प्रभावित हो रहे हैं, ना वो वचन से प्रभावित हो रहे हैं और ना वो काल से प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें हमने अविकारी शब्द कहा था और आपकी पहचान कराई थी कि वो ऐसे शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए एक समान प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन बहुवचन में उनका प्रयोग एक सा होता है, चाहे भूतकाल भविष्यकाल या वर्तमान काल के लिए उनका प्रयोग किया जाए वो एक ही प्रकार में प्रयोग किए जाते हैं। तो उन अविकारी शब्दों को इतने सारे रूप हैं, उनको हमने यहाँ पर विभिन्न भेदों में बांटा है। व्याकरण की दृष्टि से अविकारी शब्द के चार भेद हैं। पांचवा भेद भी है निपात, जो कि आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ अविकारी शब्दों के चार जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में आपको समझा दिया कि अविकारी शब्द लिंग काल और वचन से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और उनके उदाहरण भी आपको दिए, लेकिन अब उन उदाहरणों में जिन शब्दों को आपने चुना था वो किस कैटेगरी, किस भेद, कौन से प्रकार का अविकारी शब्द है, उसे आप कैसे पहचानेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। अविकारी शब्दों के चार भेद हैं। पहला हमने लिखा है क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। आप लोगों ने क्रिया सुना है, क्रिया यानी काम वाले शब्द, उठना बैठना खाना दौड़ना सोना, सब काम है क्रिया। विशेषण यानी कि अच्छा बुरा कौन कैसा, ये विशेषण होता है। लेकिन जब क्रिया और विशेषण दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, क्रिया विशेषण। और यहाँ पर क्रिया विशेषण का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी काम के बारे में बता रहे हैं कि वो काम कैसे हो रहा है। पंखा धीरे धीरे चल रहा है, तो चलने का काम हो रहा है कैसे, धीरे धीरे। बालक सुंदर लिख रहा है कैसे, सुंदर। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है कैसे, तेज। तो घोड़े के द्वारा दौड़ने का काम हो रहा है तेज। तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द। तो चलिए यहाँ एक उदाहरण लिख लेते हैं हम क्रिया विशेषण का, जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब इसे यहां पर क्रिया विशेषण है तेज, क्रिया क्या है दौड़ना और विशेषण क्या है तेज, क्योंकि वो क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि दौड़ने का काम कैसे हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो ये क्रिया विशेषण है, ये हमें पता है। अब क्यों इसको हम अविकारी शब्द बोल रहे हैं, तो इसको अविकारी शब्द बोलने का मकसद ये है, इसलिए कारण है कि अगर ये तेज शब्द जो है वो किसी भी कंडीशन में परिस्थिति में चेंज नहीं हो रहा है, अगर घोड़ा की जगह हम घोड़ी बना देते हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना देते हैं, घोड़ी तेज दौड़ रही है, तो तेज शब्द तो तब भी नहीं बदलेगा, आगे का भले ही चेंज हो जाए, तो तेज क्या हो जाएगा, घोड़ी तेज दौड़ रही है, तेज वही रहेगा। अगर घोड़ा एक वचन का बहुवचन बना, घोड़ा से घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, तब भी तेज शब्द चेंज नहीं हुआ है। फिर घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, घोड़े तेज दौड़ रहे थे, घोड़े तेज दौड़ेंगे, कुछ भी बनाओ, कोई सा भी काल, तेज शब्द बदला नहीं। तो ये अविकारी शब्द है। और कौन सा है अविकारी का भेद, क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक ऐसा होता है जो किसी सेंटेंस में दो चीज़ों का संबंध बताता है। ये बहुत आसान है, जैसे कि हमने कहा कि पक्षी खिड़की पर, पक्षी खिड़की के ऊपर बैठा है। अब पक्षी कहाँ पर बैठा है, खिड़की के ऊपर बैठा है, एक है तो भी ज्यादा है, तो भी स्त्रीलिंग है, पक्षी की जगह तोता खिड़की के ऊपर बैठा है, मैना खिड़की के ऊपर बैठी है और बहुत कई सारे पक्षी खिड़की पर बैठे हैं, तो वहाँ पर लिंग काल वचन से कोई चेंजेस नहीं है, के ऊपर शब्द, के ऊपर संबंध बोधक होता ही क्या है, मेज के ऊपर स्टूल रखा है, छत के ऊपर बालक खड़े हैं, सोफे के ऊपर मम्मी बैठी है, कुर्सी के नीचे गेंद है, के ऊपर के नीचे के पास के आजू के बाज में के साथ में प्रयोग किए जाने वाले
सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं, नदी के किनारे लोग खड़े हैं, के किनारे के ऊपर सब संबंध बोधक है, तो इनको भी अविकारी शब्द कहते हैं। अब आया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कनेक्टर, जोड़ने वाले शब्द, एवं और इसलिए ये वाले वाक्य इसमें आते हैं। रामू और श्यामू दोस्त हैं, नीनू एवं टीना खेल रही हैं, मुझे चाय तथा कॉफी दोनों चाहिए, तथा एवं और समुच्चय बोधक शब्द हैं जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो रामू और दोस्त हैं। अब यहाँ पर और शब्द दो लोगों को जोड़ने के भी काम आ रहा है। यहाँ पर हम बोलने के बालक और बालिकाएं दोस्त हैं, बालक और बालिकाएं पढ़ रही हैं, एक अनेक से फर्क नहीं पड़ रहा, लिंग वचन से फर्क नहीं पड़ रहा, और शब्द एज इट इज रहेगा, तो ये भी अविकारी है। अब आया लास्ट विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक सबसे सिंपल है, जिसमें विस्मय बोधक चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर चित्र है। ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लड़का लड़की एक अनेक सबके लिए वही प्रयोग होता है, तो ये भी अविकारी शब्द है। जैसे अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, सुंदर है, यानी कि ये इसमें बोधक वाले शब्द भी एक अनेक हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन हो, या कोई भी काल हो, उसमें चेंज नहीं होते, तो ये क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। तो आपको याद रखना है अविकारी शब्दों के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, संबंध बोधक में के ऊपर के पास वाले शब्द आते हैं, समुच्चय बोधक और अथवा एवं किंतु जैसे शब्द आते हैं, विस्मय आदि बोधक में विस्मय चिन्ह के साथ वाले शब्द आते हैं। तो इस प्रकार इन विभिन्न भेदों को पहचान लीजिए। अगर आप इनसे परिचित हो जाएंगे तो आपके लिए इस प्रकार से अभ्यास करने में, इनको पहचानने में मुश्किल आपको नहीं आएगी, और ये टॉपिक आपका आगे की कक्षाओं में आपके लिए बहुत हेल्पफुल यानी सहायक रहेगा। तो कीजिए अभ्यास अपनी नोटबुक में और बने रहिए हमारे साथ। इस प्रकार हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर।